पहला सवाल वही जो मैं पहले भी पूछ रहा था, राहुल गांधी मतलब का फायदा का जोश उनका जादू दिख रहा है मेरे ख्याल से आचार्य जी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तीनों में राहुल गांधी जी का जादू दिख रहा है? देखिए अमन, राहुल गांधी जी जो कर सकते थे उन्होंने किया, जो मेहनत वो कर सकते थे उन्होंने की, जो भारत जोड़ो यात्रा कई हज़ार किलोमीटर पैदल चल सकते थे वो भी उन्होंने की। अब जादू दिख रहा है या जादू नहीं दिख रहा है, इस पर राहुल गांधी को दोष देना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान परिश्रम कर सकता, मेहनत कर सकता, फल देना तो परमात्मा के हाथ है, और जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, यानी कि जनता ही भगवान होती है। अब अगर जनता हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रही है या राहुल गांधी जी की सेवा को स्वीकार जनता ने नहीं किया, तो इसमें राहुल गांधी जी को दोष देना ठीक नहीं है। इंटरेस्टिंग अमन, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आचार्य जी के संदर्भ में। पिछली बार 2018 का विधानसभा चुनाव था, आचार्य प्रमोद कृष्णम तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक थे, कांग्रेस ने तीनों राज्यों में सरकार बनाई, और इस बार आचार्य प्रमोद कृष्णम तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक नहीं है। विधि का विधान कराओ, सहयोग कहो, प्रयोग कहो, और कांग्रेस अकेले हिंदू धर्म गुरु है जो कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने इनका साथ छोड़ा, जनता ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, यह भी हार्ड फैक्ट है। इस समय आचार्य जी सनातन को गाली वालों के साथ, देखिए भगवान राम ने सजा दे दी है लग रहा है। देखिए अमीश देवगन जी ने एकदम नेशनल चैनल पे व्यक्तिगत विषय को उठाया है, और मैं इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये तथ्य है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने किसी हिंदू धर्मगुरु को अपना कांग्रेस के चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया था। 2018 में राजस्थान में भी हम लोग थे और मध्य प्रदेश में भी थे, उसके बाद में भी रहे, लेकिन ये एक कोई मजबूरी रही होगी कांग्रेस के रणनीतिकारों की, या कांग्रेस के अंदर एक बहुत एक खास किस्म के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि राम का नाम ना लिया जाए, सनातन की बात ना की जाए, सनातन को जो गाली देता है वो वहाँ सबसे बड़ा नेता बना दिया जाता है। तो ये एक चीज़ है। मैं अपने बारे में जो व्यक्तिगत रूप से अमीश देवगन आपने सवाल उठाया तो आपका धन्यवाद अदा करते हुए बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत पुराना गीत है, उसकी दो लाइनें हैं कि आकाश के होती खबर तूने किसे ठुकराया है, आकाश के होती खबर तूने किसे ठुकराया है, सागर नहीं, शीशा नहीं, मंदिर सा एक दिल ढाया है। तो ये चलता रहता है कभी कभी राजनीति में। आपकी मायूसी, आपका दुख, आपका दर्द समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, आज बीजेपी के खेमे में उत्साह है और सबीना के पास कुछ बड़े आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के लिए चलते हैं सबीना के पास। सबीना, ओवर टू यू। अमीश अमन, आपके पास पहले से एक बहुत बड़ा पैनल है, गहन चर्चा चल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन जल्द बता देती हूँ, मध्य प्रदेश की सियासत का खासतौर से जिक्र हो रहा है क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज होती नजर आ रही है। हालांकि आपने भी कहा कि ये रुझान है, अभी नतीजों का पूरी तरह से सटीक आना बाकी है, लेकिन बुधनी सीट जो सबसे हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, शिवराज सिंह चौहान हर बार की तरह इस बार भी आगे चल रहे हैं, पांचवीं बार सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे इसे लेकर सवाल जरूर टाल जाते हैं और इस पर लेकर चर्चा भी जारी है। मंडला सीट का जिक्र कर लेते हैं, फग्गन सिंह कुल से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हालांकि आगे पीछे का ये रेस जो है वो अभी देखने को मिला था। नरसिंहपुर सीट, चार सीटें आती हैं इसके अंदर, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री है वो यहां से आगे चल रहे हैं। इंदौर में 9 सीटें आती हैं जिनमें से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो है वो आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, कमलनाथ यहां से आगे चल रहे हैं, 7 विधानसभा सीटें इसमें आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा उसके बाद जो राजनीति का खेल था बहुत हो गया। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी यहां पर ये कह रहे थे कि 3 महीने पहले देखा जाता तो मध्य प्रदेश की सियासत बिल्कुल अलग थी, लेकिन इन 3 महीनों में बीजेपी की तरफ से पूरा ये सियासी खेल सामने आ गया, वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट और साथ ही वो योजनाएं जो अब घर घर हर महिला के मन में बैठ चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी इन रुझानों के जरिए तो सामने आती नजर आ रही है। बहुत सी सीटें हैं जहां पर लीड बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, कुछ हिस्सों में अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ग्वालियर चंबल की स्थिति क्या है, लगभग वहां पे 30 सीटें हैं, वहां की स्थिति क्या है ग्वालियर चंबल की, और महाकौशल की स्थिति क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट संभाग है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और फिर मैं आता हूं सचिन पायलट के इलाके में क्या स्थिति है राजस्थान में।
देखिए संभाग, क्योंकि 10 संभागों में 55 जिले यहाँ पर बटे हुए हैं, ऐसे में चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, इंदौर, साथ ही सागर, रीवा, ये सब बहुत खास हो जाते हैं। जिसमें आप शहडोल का जिक्र करें तो इसके अंदर 2 सीटें आती हैं, जिसमें से एक में कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है, एक में बीजेपी यहाँ पर लीड कर रही है। मंडला का जिक्र करना जरूरी हो जाता है जहाँ पर फिलहाल कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन अगर हम रतलाम का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आती है, और जहां भी आप सीटें देखेंगे फिलहाल बीजेपी तो दिख रहा है। लेकिन मेरा 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 पॉइंट ये था कि ग्वालियर चंबल में क्या स्थिति है, और ग्वालियर चंबल में मेरा अपडेट ये है कि 30 में से बीजेपी को अधिकतर में बढ़त देखने को मिल रही है, यानी वहां माइक्रो मैनेजमेंट जो अमित शाह का था और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो वोट था वो पड़ा है, और जो सिर्फ अटावल की स्थिति थी बीजेपी ने उसको मैनेज कर लिया। शहजाद, मेरा सवाल राजस्थान को लेकर आपसे है। राजस्थान में 106 सीटें, मतलब ये सत्ता की अदला बदली का इतिहास 1993 से चला जा रहा है, 30 सालों से लगातार रोटी पलटती हुई हम लगातार सुनते आए, फिर भी 106 अभी जो रुझान है, फिर भी 106, और फिर भी कांग्रेस 76, तो ये उतनी बड़ी जीत नहीं है जितनी मध्य प्रदेश में या जितने की उम्मीद लगाई जा रही थी। वैलिड क्वेश्चन, ये इसका आंसर दीजिए शहजाद। देखिए अमीश जी और अमन जी, क्या है कि हम लोग हमेशा डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, तो आप लोग अच्छे माता पिता की तरह उम्मीद करते हो कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, आपका बेटा है, वो हमेशा ऐसे नंबर लाए, और अगर डिस्टिंक्शन पास भी हो जाए, फर्स्ट क्लास भी आ जाए, तो कहते हैं कि भाई फर्स्ट क्लास तो आ गया परंतु फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का विश्लेषण। शिवराज सिंह चौहान, एक मिनट सुन लेते हैं शिवराज, फिर मैं आपके पास। एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई, और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया, और जो यहाँ योजनाएं बनी लाड़ली लक्ष्मी से लेकर लाड़ली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए, वो भी जनता के दिल को छू गए, और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही, और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली,
तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम। तो ये थे शिवराज सिंह चौहान, अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, कह रहे थे एमपी के मन में मोदी हैं और अमित शाह की अचूक रणनीति ने विजय दिलाई। जेपी नड्डा का बहुत बड़ा हाथ है। एक सामान्य तौर पर जब आप इतनी बड़ी जीत हासिल करते हो तो इसी तरह की भाषा सामने आती है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम आपने कुछ बड़ी बातें बोली। अभी जब आप शाले मोहम्मद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं पोखरण से, राजस्थान पोखरण, मानवेंद्र सिंह जसवंत सिंह के सपुत्र बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता रहे, अंत में पार्टी को छोड़ के चले गए थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं। आचार्य जी आप मैं शहजाद आपका रुख करूंगा। आचार्य जी आपने एक बड़ी बात बोली कि कुछ सनातन विरोधी हैं, लेकिन ये वो चुनाव है जिससे पहले इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ, ये वो चुनाव है जिसमें जिससे पहले इंडिया अलायंस ने सनातन को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक खूब अपशब्द कहे, लेकिन नतीजा प्रदेशों की जनता दे रही है। क्या आपको लगता है ये कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है? हिंदी पट्टी में हम कह सकते हैं सफाया हो गया कांग्रेस पार्टी का, एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ ऐसा रुझान दिखा रहे हैं। आचार्य जी, जी सवाल आपको मेरा सुनाई दिया, हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया हो गया है? नहीं देखिए अमित जी, सवाल ये है कि सफाया हो गया है या सफाया नहीं हुआ है, ये तो अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन जिधर गाड़ी रवाना हो गई है वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, और इसके कई कारण हैं, इसके बहुत से कारण हैं अमित जी, और ये मैं बड़ी गंभीरता से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना चाहती थी और महात्मा गांधी के रास्ते पर हमेशा चलती थी, उस पार्टी को मार्क्स के रास्ते पे ले जाने की एक कवायद शुरू हुई जिसका ये परिणाम है, सनातन का विरोध। सनातन का विरोध करके भारत में राजनीति नहीं की जा सकती है, और जो लोग सनातन को मिटाने की घोषणा कर रहे हैं, खुलेआम चुनौती देते थे हम सनातन को मिटा देंगे, अब सनातन को मिटा देंगे, लेकिन जो लोग कह रहे हैं यार कांग्रेस उसके